गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एएसपी कोचिंग सेंटर जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मीनाक्षी शर्मा। हमने आपको शुरुआत किया था चैप्टर को पढ़ाना, वो था अनुवांशिकी से। हमने अनुवांशिकी में अभी बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ पढ़ लिया है। अनुवांशिकी की परिभाषा हमने देखी, वंशागति को हमने पढ़ा, फिर हमने कुछ शब्दावली को पूरा किया। उसके बाद में हमने देखा कि जो अनुवांशिकी के जनक थे वो थे मेंडल, यानी कि मेंडल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार यह बताया कि ऐसा क्या होता है कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाते हैं, और जब ये जाते हैं तो विभिन्नताएं भी किस प्रकार से आती है, इसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। और इसके लिए उन्होंने भिन्न भिन्न क्या करवाए, क्रॉस करवाए, जो कि एक ही जाति के दो जीवों यानी नर और मादा के बीच में क्या करवाए गए। ठीक है, अब इससे उन्हें बहुत सारे रिजल्ट्स मिले और इन्होंने अपने जो क्रॉस थे वो लक्षणों को आधार मानकर किया। जैसे कि जब उन्होंने किसी एक ही लक्षण को आधार माना तो उसे एक संकर क्रॉस बोला गया, जब उन्होंने दो लक्षणों का आधार माना तो उसे द्विसंकर क्रॉस बोला गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने बताया कि एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के आधार पर उन्होंने अपने कुछ नियम दिए। जैसे कि एक संकर क्रॉस के आधार पर उन्होंने प्रभाविकता का नियम दिया कि F1 पीढ़ी में वह जनक या फिर वह लक्षण जो कि प्रभावी होगा वह अपने आप को दर्शाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभावी लक्षण जो है वो गायब हो जाएगा, जब F2 पीढ़ी वापस आएगी तो वह लक्षण फिर से आपको नजर आएगा। दूसरा उन्होंने जो आपको नियम दिया वो दिया पृथक्करण का नियम। यही पृथक्करण के नियम ये होता है कि जिसमें लक्षण क्या होते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ठीक है, और F2 पीढ़ी में हमें साफ साफ वापस नजर आते हैं। द्विसंकर क्रॉस के आधार पर उन्होंने क्या दिया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया, यानी कि अगर कोई एक जीव बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में मिलने वाले सारे के सारे लक्षण प्रभावी होंगे। जैसे कि हम देखें, हमारे को मटर के कुछ ऐसे भी पादप मिले जिनमें लंबाई या फिर आप देख सकते हैं बीज का आकार, जिससे अक्सर क्योंकि ये उदाहरण बहुत कॉमन एग्जाम्पल है या उदाहरण जिसे बार बार लिया जाता है, तो बीज का आकार में गोल होना उसका क्या है, प्रभावी लक्षण होता है, और झुर्रीदार होना उसका अप्रभावी लक्षण है। ऐसे ही पुष्प का रंग देख लीजिए, पुष्प के रंग में बैंगनी रंग का होना क्या है, प्रभावी लक्षण है, और सफ़ेद रंग का होना क्या है, एक अप्रभावी लक्षण है। हमें कुछ पादप ऐसे मिले जिनके अंदर उनके जो बीज थे उनकी आकृति तो गोल थी यानी कि प्रभावी लक्षण था, लेकिन उसी पादप में आने वाले जो पुष्प थे वो सफ़ेद रंग के थे जो कि एक अप्रभावी लक्षण था। यानी कि एक जीव के अंदर प्रभावी लक्षण भी हो सकते हैं और अप्रभावी लक्षण हो सकते हैं, और प्रत्येक लक्षण जब अपने आप को व्यक्त करता है तो वो दूसरे पे निर्भर नहीं करता है। यानी कि पादप के अंदर आने वाली प्रभावी जीन ये नहीं कह सकती कि मेरे साथ में जाने वाले सारे लक्षण जीव में प्रभावी ही होंगे, ठीक है, प्रभावी के साथ में अप्रभावी जीन भी आ सकती है किसी दूसरे लक्षण के लिए। तो यह हमने देखा। अब हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर हमारा मेंडलवाद खत्म हो गया, और 1900 के अंदर मेंडल की मृत्यु के बाद 16 साल बाद 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिक वापस आए जिन्होंने मेंडल के नियमों की क्या या मेंडल के जो कार्य थे उसकी पुनर्खोज करी। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं नव मेंडलवाद। मेंडलवाद या फिर न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या कहा हमने, 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिकों, उन तीन वैज्ञानिक का नाम मैं आप बता चुकी हूँ, आप उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि वो तीन वैज्ञानिक कौन थे। मैं इस वाले वीडियो में उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो 1900 के अंदर तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य की पुनर्खोज की। तो 1900 से नव मंडलवाद क्या हुआ होगा, प्रारंभ हुआ होगा। 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज हुई, और इस पुनर्खोज के साथ ही पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति सी आई। लोगों का ध्यान अचानक से इस ओर भी गया कि हाँ भाई, किस तरीके से जो कोई भी लक्षण होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाता है, और लोगों ने आनुवांशिकता के ऊपर बहुत तीव्र गति के साथ में अपने प्रयोग करने क्या करे, प्रारंभ करे। जब उन्होंने ये प्रयोग करे तो उनको भी क्या मिले होंगे, रिजल्ट्स मिले होंगे। पर कुछ
प्रयोगों में जो रिजल्ट थे वो मेंडल के अनुसार नहीं थे, मेंडल ने जो रिजल्ट निकाले थे उनसे कुछ अलग थे, यानी उनसे वो डेविएशन कर रहे थे, और उन्हें हमने मेंडलीय नियमों का अपवाद बोला। ठीक है, अब ये मेंडलीय अपवाद कैसे आए, इसको कैसे पढ़ा गया, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मेंडलीय अपवाद के अंदर हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएंगे, सहप्रभाविकता बताएंगे, अपूर्ण प्रभाविकता बताएंगे, बहुरूपता बताएंगे, ठीक है, बहु एलिलिज्म बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो ऐसे भिन्न भिन्न क्या परे मेंडल के अपवाद आए। वैटसन को लगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, तो वैटसन ने ये जितने भी अपवाद आए उन्हें किस में दे दिया, एक हाइपोथेसिस, यानी कि आप कह सकते हैं एक परिकल्पना में बदल दिया, जिसे आप कारक परिकल्पना भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैटसन इस टाइम पर एक व्याख्या दी, तो वैटसन द्वारा मेंडलीय अपवाद को या अपवादों को समझाने हेतु एक व्याख्या प्रस्तुत की गई। क्या की गई? एक व्याख्या प्रस्तुत की गई, और उस व्याख्या का नाम क्या था? कारक परिकल्पना, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? फैक्टर हाइपोथेसिस। ठीक, कौन कौन सी थी इसका क्या फैक्टर हाइपोथेसिस के बेसिस पे कौन कौन से अपवाद निकल के आए, या मेंडेलियन एक्सेप्शंस क्या थे, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको अपवाद बताएं, उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस है जो आपको यहाँ पे करवाना चाहते हैं। आप लोग एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर चुके हैं, और एक द्विसंकर क्रॉस यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस कर चुके हैं। अब कुछ हमारे पास में नए क्रॉस है जो हमें आपको बताने हैं यहाँ, जिसमें सबसे पहला हम क्रॉस जो लेकर आए हैं नंबर वन, उसे हम बोलेंगे व्युत्क्रम क्रॉस, अच्छा, या व्युत्क्रम संकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रॉस बोले चाहे संकरण बोले, बात एक ही है। दूसरी बात, आपको हर एक क्रॉस का इंग्लिश नाम तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर हिंदी में कोई मिसप्रिंटिंग हुई तो इंग्लिश में उसके मिसप्रिंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो आपको कुछ समझ में नहीं है आपके हिंदी के पेपर में, तो आप उसे इंग्लिश की साइड में जाकर देख सकते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस या युत्क्रम क्रॉस क्या है? देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, यह एक ऐसा क्रॉस है जिसमें समान जाति के नर व मादा को, ठीक है, किसी एक लक्षण के आधार पर, ठीक है, उनके लिंग में क्या करके व्युत्क्रम करके, यानी कि लिंग में अदला बदली करके क्या कराया जाएगा, जब क्रॉस करवाया जाएगा तो उसे आप क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम क्रॉस बोलेंगे। जैसे कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें किसी एक लक्षण को आधार मानकर जनकों के लिंग में अदला बदली कर, या लिंग में आप कह सकते हैं व्युत्क्रम करके क्रॉस कराया जाता है। अब मेरे दिमाग में ये बात आती है कि भाई इस क्रॉस को करवाने का क्या मतलब है, तो हमें ये जानना था कि क्या जेंडर का या लिंग का या स्त्री और पुरुष के अलग अलग होने पर अगर हम लक्षण सेम में रखें और स्त्री और पुरुष की क्या कर दे या लिंग की अदला बदली कर दे, तो आनुवांशिकता के जो रिजल्ट हमें मिले थे, ठीक है, जो क्रॉस करवाने पे हमें रिजल्ट मिले थे, क्या वो रिजल्ट्स बदल जाएंगे? ठीक है, तो यह आनुवांशिकता पर ये क्रॉस क्यों क्या किया गया करवाया गया,
यह आनुवांशिकता के या अनुवांशिकता पर, यह अनुवांशिकता पर लिंग के प्रभाव, लिंग के प्रभाव के अध्ययन हेतु करवाया गया। ठीक है, कि लिंग का क्या होता है। ठीक है, और हमने देखा कि, चलिए देखते हैं, हम क्रॉस करके देखते हैं कि व्युत्क्रम अनुपात में क्रॉस के अंदर रिजल्ट्स क्या आए होंगे। चलिए पहले देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, जैसे कि मैं व्युत्क्रम क्रॉस यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस करवा रही हूँ, यहाँ पर मैं हेडिंग रेसिप्रोकल क्रॉस ही डाल रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैम कहना क्या चाह रही है, क्योंकि शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। हम लोगों ने लंबाई को लेकर क्या करवाया था, एक संकर क्रॉस करवाया था। तो पहले हम क्या करते हैं, एक लक्षण को आधार मानकर क्रॉस करवाते हैं। हमने एक क्या लिया था, शुद्ध लंबा पादप लिया था, याद है आप सब लोगों को। और एक हमने क्या लिया था, शुद्ध बौना। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर, ये हमने नर पादप लिया यानी कि इस पादप से हमने परागकण लिए, और इस वाले मटर के पादप से हमने अंडकोशिका को लिया। ठीक है, जब इनके जीन को हमने रिप्रेजेंट किया या जीन को शो किया, तो जो जीन किस कुछ इस प्रकार से थी, क्योंकि शुद्ध है तो एक जीन की दोनों ही एलील क्या होगी, समान होगी। यह शुद्ध बोना है तो दोनों ही क्या थी, समान थी। ठीक है, इनके द्वारा बनने वाली जो F1 पीढ़ी बनी थी वो क्या बनी थी, TT बनी थी, या F1 पीढ़ी थी, जो कि देखने में कैसी थी, लंबी, क्योंकि लंबापन क्या था, प्रभावी गुण था, इसलिए उसने अपने आप को F1 पीढ़ी के अंदर दर्शाया। अब जब हमने इसमें स्वपरागण करवाया, ठीक है, यानी कि ऐसे बहुत सारे पादप बने होंगे, तो उसमें से एक पादप, एक नर पादप को ले लिया और एक मादा पादप को ले लिया, यानी TT का क्रॉस TT रखने वाले ही पादप से वापस से करवाया। मैं इसे वापस से खोल के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। अगर किसी को कोई आज के वीडियो को नया देख रहा है, तो प्लीज़ इससे पहले वाला पिछला वीडियो ज़रूर जाकर देखें। तो अब इससे जो हमें रिजल्टेंट यानी हमें जो संतति प्राप्त हुई, वो एक तो हमें कौन सी प्राप्त हुई थी, ये वाली प्राप्त हुई, एक हमें ये मिली, सॉरी इसे भी ठीक कर देती हूँ और इसे भी। एक हमें क्या मिली है, ये सेल्फिंग करवाने पर यानी कि स्वपरागण करवाने पर हो रही है। एक हमें यह मिली और एक हमें है या नहीं। अब जब हमने क्या देखा, इसका जीन प्रारूप देखा, यानी कि जब हमने इसका जीनोटाइप देखा, और तो वो था TT अनुपात TT 1:2:1। और जब हमने इसका फीनोटाइप देखा तो वो था 3:1, यानी कि 3 तो क्या थे, लंबे, और 1 क्या था, बौना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनके लिंग में परिवर्तन कर दे रहे हैं, यानी कि शुद्ध लंबा पौधा तो हम कौन सा लेंगे, मादा का, और शुद्ध बौना पौधा हम कौन सा लेंगे, नर का। चलिए हम रेसिप्रोकल करके देखते हैं, यानी कि व्युत्क्रम लिंग देख पद के देखते हैं, तो क्या देखते हैं, हमें क्या जीनोटाइप फिनोटाइप यही मिलता है या अलग हो जाता है, यही तो हमें देखना है। हम रेसिप्रोकल क्रॉस क्यों कर रहे हैं, ताकि आनुवांशिकता पर हम लिंग का प्रभाव देख सकें, कि क्या लिंग परिवर्तन करने पर ये जो हमें अनुपात मिला है या जो हमें ये संतति मिली, क्या वो बदल जाएगी या उनका अनुपात बदल जाएगा। तो चलिए अब हमने देखा, अब की बार हमने क्या किया, ये हमने शुद्ध लंबा पादप तो लिया, लेकिन इसे हमने क्या लिया है, मादा, और एक हमने क्या लिया, शुद्ध बौना पादप लिया, और इसे हमने क्या लिया है, नर। ठीक है, यानी कि ये अब इसकी बार इस प्रकार से है,
ये भी अपने आप में दोनों एलील क्या रखेंगी, सेम रखेंगी, ठीक है। और अब हम जब इनका क्रॉस करवाया यानी कि मतलब परागण करवाया तो ये हमें F1 पीढ़ी मिली। यह जो F1 पीढ़ी थी ये क्या थी, लंबी थी देखने में, क्योंकि लंबापन प्रभावी गुण था, भले इसके अंदर एक अलील बोनेपन की आई। फिर जब इसके अंदर हम लोगों ने स्वयं परागण करवाया तो यहाँ पर भी हमें ये ही मिला। आप चाहे तो क्रॉस करवा के देख लीजिएगा, एक हमें ये मिले, दो हमें ये मिले और एक हमें क्या मिला, ये मिला। ये हमें मिली F2 संतति, ये F2 पीढ़ी भी आप इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए जीनोटाइप वही है, समान है, बिल्कुल सेम जीनोटाइप है, 1:2:1 मिल रहे हैं आपको। और फिनोटाइप रेशियो भी क्या है, यहाँ पर समान है, यानी कि 3 लंबे हैं और एक क्या है, बौना है। यानी कि लिंग परिवर्तन करने पर भी आप क्या नहीं देख सकते हैं, किसी प्रकार परिवर्तन नहीं दे सकते हैं जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो, यानी कि लक्षण प्रारूप और उसी के साथ के अंतर्गत जीन प्रारूप जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है या समान है। अब ये जो संकर जो आपका व्युत्क्रम क्रॉस होता है इसके भी क्या है, और सॉरी इसके नहीं, अब हम आगे इसके बाद एक और क्रॉस करके देखते हैं, दूसरा क्रॉस क्या है हमारे पास में और वो क्यों करवाया जा रहा है ये भी हमें देखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें दूसरा क्रॉस क्यों करवाया जा रहा है। चलिए देखते हैं, अब हम जो नया क्रॉस लेकर आ रहे हैं व्युत्क्रम क्रॉस के बाद में जो हम नया क्रॉस लेकर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। ब्रैक क्रॉस को हिंदी में कहेंगे आप संकर पूर्वज संकरण, संकर पूर्वज संकरण। इसे सुनिए, संकज पूर्वज संकरण क्या है, ये एक इस प्रकार का संकरण है जिसमें जो संकरित जीव होगा, यानी कि जो भी आपको F1 संतति मिली है उसका जो क्रॉस हम वापस से उसके जनक के साथ में करवा देंगे। अब एक तो उसका प्रभावी जनक होता था और एक अप्रभावी जनक होता था, है नहीं भाई, जैसे लंबापन था तो लंबापन प्रभावी लक्षण था और बोनापन अप्रभावी लक्षण था। तो जो F1 पीढ़ी है या तो उसका क्रॉस हम किसके साथ में करवाएं, प्रभावी जनक के साथ, या हम किसके साथ में करवा दें, अप्रभावी जनक के साथ, तो उसे क्या बोला जाएगा, संकर पूर्वज संकरण बोला जाएगा। यानी कि जो भी आपके संकर जीव बना है उसका उसके पूर्वज के साथ के अंदर वापस से क्या करवाना, संकरण करवाने को आप क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जीवों के अंदर, ठीक है, जो नई संतति आ रही है उनमें हम उनके पूर्वजों के जो उत्तम लक्षण है ना उनको बनाए रखें। कैसे बनाए रखेंगे हम जान के देखेंगे कि, और ये आपके एग्रीकल्चर में बहुत काम आता है, मवेशियों के अंदर और पादपों के अंदर भी। और अगर आप बायोवर्क से हैं तो आपने स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट के अंदर आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, यानी कि आने वाली संतति के अंदर उनके जो पूर्वज है उनके उत्तम लक्षणों को हम लेकर आएँ और हमें हमेशा उत्तम लक्षण वाले ही क्या मिले, पादप या फिर जंतुओं के हमें क्या हो, प्राप्ति हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे दूध देने वाली गाय है, ठीक है, उसका दूध की क्वालिटी, उसके दूध में प्रोटीन बहुत अच्छा है, या एक बार में वो अधिक मात्रा में क्या देती है, दूध देती है। अगर उसकी हम उत्तम क्वालिटी के बुल से क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो उनकी संतति पैदा होगी, है या नहीं है। तो वो संतति भी क्या होगी, उतनी ही उच्चतम क्वालिटी वाली होगी, है या नहीं है। लेकिन जब वो संतति को हम किसी और से क्रॉस करवा देंगे तो हो सकता है वो गुण, अच्छे जो गुण है वो धीरे धीरे खत्म होते चले जाएं। तो हम क्या करें, उस संतति जो बनी है, जो उनका संकरण बना, उनको वापस से उच्चतम क्वालिटी वाले उनके जनक से ही वापस से क्रॉस करवाएं, तो वो जो उत्तम क्वालिटी के गुण है ना, जो उत्तम गुण है वो क्या रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लेती हूँ संकर पूर्व संकरण क्या है, ठीक है, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इस प्रकार का संकरण जिसमें संकर जाति, जिसमें संकर जीव भाई कौन होगा, उसकी F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, जो भी उसकी पीढ़ी बन रही है ना, उसकी जो संतति बन रही है, संकर जीव का
अपने किसी एक जनक के साथ पुनः संकरण, इसे आप क्या कहते हैं, संकर, पूर्वज संकर। ठीक है, अब देखिए, संकर पीढ़ी को जनक के साथ, जनक के साथ बार बार, जनक के साथ बार बार संकरण, बार बार संकरण जनक के उत्तम गुणों को संकृत गुणों को संकर जीव में क्या करवाने के लिए किया जाता है, अनुकृत करवाने के लिए किया जाता है, संकर जीव में अनुकृत अनुकृत करवाने हेतु करवाया जाता है। ठीक है, तो उच्चतम क्वालिटी जो है वो क्या हो, बनी रहे। अब आपका जो ये बैक क्रॉस होता है, वापस से बता रही हूँ, एक इस प्रकार का क्रॉस जिसके अंदर आप संकर जो जीव है, यानी कि नर और मादा के बीच में संकृत होने से जो जीव बना है, नई जो संतति आई है, उसका क्रॉस वापस से आप उसके किसी एक जनक के साथ में करवा रहे हैं। ऐसा क्यों करें, ताकि जनक के जो उत्तम गुण हैं वो उसकी संतति में आते रहे और आपको अच्छी क्वालिटी के पादप और जो आपके कैटल्स यानी मवेशी है वो आपको प्राप्त होते रहे। ठीक है, बायोटेक्नो आजकल ये बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, जो न्यू हरित क्रांति के बाद के अंदर इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है पैदावार को बढ़ाने के लिए और अच्छी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए, अब आपका जो संकर पूर्वज क्रॉस होता है, ठीक है, ये आपका जो संकर पूर्वज क्रॉस है, संकर पूर्वज क्रॉस, जिसे आप क्या कह रहे हैं, बैक क्रॉस भी कहते हैं, ये सामान्यतः आपके पास में दो तरह का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपके पास में परीक्षण क्रॉस, और एक आपके पास में होता है ये आउट क्रॉस। एक तो क्या है आपके पास में परीक्षण क्रॉस, एक क्या है आपके पास में आउट क्रॉस। अब सबसे पहले हम देखेंगे किसको, परीक्षण क्रॉस को या फिर टेस्ट क्रॉस को। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये हमारा संकर पूर्वज क्रॉस था, इसमें ये एक ए टाइप आ गया, कौन सा, परीक्षण क्रॉस, और बी आ गया आपका आउट क्रॉस। संकर पूर्वज क्रॉस को आप कौन सा क्रॉस कह सकते हैं, बैक क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं ए पर, जिसे हम कह रहे हैं परीक्षण क्रॉस। देखिए परीक्षण क्रॉस क्या है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में इसे नाम दिया जाता है टेस्ट क्रॉस। देखिए परीक्षण क्रॉस क्या है, जब आप बनने वाली नई संतति का पर जो क्रॉस है वो उसी के जनक से वापस से करवा दे, लेकिन किससे, अप्रभावी जनक से, यानी कि संकरित अप्रभावी जनक के साथ संकरण। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम क्रॉस करवा के देखते हैं,
ये क्या है पहले, टी टी शुद्ध लंबा, शुद्ध बोना पादप, इनके बीच में क्रॉस करवाया, ये आपको आया एफ वन पीढ़ी, जो कि देखने में कैसी है, लंबी। ये हमें लंबी बाहर से नजर आई है, हमने नहीं पता कि ये इसके संयुग्मजी है कि विषम युग्मजी है। संयुग्मजी पता है जब दोनों ही समान होते, ये संयुग्मजी है, ये संयुग्मजी है, क्योंकि दोनों ही अलील क्या है, समान है। इसके दोनों ही व्युत्क्रम जो सॉरी इसके दोनों ही व्युत अलील जो है वो क्या है, समान है। ये क्या है आपके पास में, एफ1 पीढ़ी बन रही है। ये एफ1 पीढ़ी हमें बाहर से आंखों से देखने तो लंबी नजर आ रही है, लेकिन हमें अंदर का नहीं पता कि ये संयुग्मजी है या विषम युग्मजी। तो इस क्रॉस के द्वारा आप ये भी पता कर सकते हैं कि बनने वाली एफ1 पीढ़ी संयुग्मजी थी या फिर विषम युग्मजी थी। ठीक है, तो चलिए हम इस एफ1 पीढ़ी का क्रॉस वापस से इसी के जनकों के साथ में करवाते हैं, और अप्रभावी जनक के साथ में हमें करवाना है। तो ये लीजिए, ये रही हमारी एफ1 पीढ़ी, इसका क्रॉस हम इसके अप्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि सबसे पहले भाई जनन के लिए क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। यहाँ पर भी बने थे, पर हम बहुत बार पढ़ चुके थे, जैसे मैंने यहाँ पर युग्मक नहीं बनाए। यहाँ पर आप युग्मक बनाएंगे तो कौन कौन से युग्मक बन जाएंगे भाई, युग्मक पृथक हो जाते हैं टी और टी प्रकार का। यहाँ पर युग्मक तो एक ही प्रकार का बनेगा ये। अब इनके बीच में मान लीजिए ये पादप नर की तरह काम कर रहा है या मादा की तरह, तो इसके परागकण, ठीक है, इससे जाकर इस अंडकोशिका से जाकर हो सकते हैं अटैच। इसके परागकण इस अंडकोशिका से भी जाकर क्या हो सकते हैं, तो अब अगर हम इसका लक्षण प्रारूप देखें, यानी कि हम इसका फीनोटाइप देखें, तो मुझे फीनोटाइप देखने पर क्या समझ में आ रहा है कि मेरे ये दोनों तो क्या है, लंबे हैं, ये दोनों ही मेरे क्या है, लंबे हैं, और ये दोनों ही मेरे क्या है, बौने हैं, है या नहीं है। तो देखिए यहां पर जो आएगा लंबे और बौने का जो अनुपात आया वो क्या आया आपके पास में, 2:2, क्योंकि दोनों दो दो थे, कटा 1:1, यानी कि लंबे व बोने पादपों का अनुपात क्या आया है, 1, जो कि मेंडल के द्वारा करवाए गए एकल संकर क्रॉस के अंदर कितना था, 3:1, बदल गया, देख लीजिए यहाँ पर मेंडल का। तो ऐसे जब कुछ क्रॉस हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नव मेंडलवाद पढ़ रहे हैं। वापस से बता दूं, नव मेंडलवाद में हमने क्या कहा कि भाई 1900 के अंदर मेंडल की कार्यों की पुनर्खोज होने के बाद में वैज्ञानिकों के अंदर, या आप कह सकते हैं आविष्कारों के अंदर या अनुवांशिक आविष्कारों में बहुत तीव्र गति आई, और ऐसे भी क्रॉस हुए और ऐसे बहुत सारे क्रॉस करवाए गए जिनके जो रिजल्ट थे वो मेंडल के रिजल्ट से बिल्कुल अलग थे, और ये देखिए बिल्कुल अलग रिजल्ट आया है, है या नहीं। ठीक है, अब अगर हम इसी का क्या देखें, जीनोटाइप देखें, इसी का हम क्या देखें, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या रहेगा देखते हैं भाई, लक्षण जीनोटाइप हम यहाँ बता देते हैं आपको, ये दूसरे पेज बताते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अगर हम देखें किसका, टेस्ट क्रॉस का, हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, और टेस्ट क्रॉस का हम क्या देखें, जीन प्रारूप देख रहे हैं, जीन प्रारूप, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो कैसा आ रहा है, अभी हम देख कर आए, हमें दो तो इस प्रकार के मिले थे और दो हमें इस प्रकार के मिले थे। तो जीनोटाइप में मैं लिख सकती हूँ टी टी अनुपात 2:2, 1:1, वहाँ 1:2:1 था, यहाँ पर जीनोटाइप क्या हो गया है, 1:1 हो गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इधर जाके, ये देखिए, है नहीं। तो इस तरीके से टेस्ट क्रॉस से हमने क्या किया, पता लगाया कि यहाँ पर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है वो अलग थे। वापस से बताती हूँ, टेस्ट क्रॉस या फिर आप जो भी बैक क्रॉस करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, ताकि उत्तम क्वालिटीज़ को आप क्या कर सकें, बना के रख सकें। ठीक है, अब देखिए बेटा, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकता है लेकिन कभी भी इसका उल्टा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में बैक क्रॉस का एक टाइप, यानी संकर पूर्वज क्रॉस का आपने एक टाइप पढ़ लिया। अब हम दूसरे पर आते हैं, दूसरा जो हमारे पास में आता है उसे हम कहेंगे आउट क्रॉस, दिस इज अ बी टाइप ऑफ बैक क्रॉस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बैक क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि संकर पूर्वज क्रॉस कर रहे हैं, और बैक क्रॉस का हम बी टाइप कौन सा कर रहे हैं, आउट क्रॉस कर रहे हैं।
आउटक्रॉस में क्या होगा, जो भी आपका संकृत जीव है उसको आप उसके किसी प्रभावी जनक से क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इसमें क्या है, संकर जीव का प्रभावी जनक के साथ संकरण। अच्छा, हमेशा क्या होता है ना, बच्चों को सिर्फ ये क्रॉस याद करवा दिए जाते हैं, क्यों करवाया जा रहा है ये कभी नहीं बताया जाता। इसलिए हमने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस भी क्यों करवाया गया ये बताया, और आप बैक क्रॉस क्यों करवा रहे ये भी हमने आपको बताया। फिर से मैं दोहरा दूँ, रेसिप्रोकल हम क्रॉस हमने इसलिए करवाया था कि क्या आनुवांशिकता के ऊपर लिंग का भी कोई प्रभाव आता है, ठीक है। और बैक क्रॉस हम क्यों करवा रहे हैं, ताकि हम आने वाली संततियों में उनके जनकों के उत्तम गुणों को क्या कर सके, ला सके। उसके लिए हम क्या करवा रहे हैं, बैक क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आउट क्रॉस जो है इसके अंदर क्या कर रहे हैं, चलिए हम आते हैं अपने F1 क्रॉस, सॉरी हमारे नॉर्मल क्रॉस पर, जो कि मेंडल द्वारा किया गया डाईहाइब्रिड क्रॉस होता था। वो क्या करता था कि उसने एक शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पादप में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। उनसे क्या मिलती थी, उनकी F1 पीढ़ी उन्हें मिलती थी, ठीक है, पर परागण। फिर इस F1 पीढ़ी के अंदर जब वो स्व परागण करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, तब जो हमारे पास में रिजल्ट बनकर आता था वो क्या होता था, देखिए अब इस क्रॉस को हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास में हमारी F1 पीढ़ी बनकर आई है, मान लीजिए ये, हम इसका क्रॉस किसके साथ में करवा रहे हैं, प्रभावी जनक के साथ में करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे हैं, प्रभावी जनक के साथ में। तो चलिए अब युग्मक बनाएगा, तो ये कैसे कैसे युग्मक बना सकता है, इसमें दोनों ये समयुग्मजी अवस्था में है, तो दोनों ही युग्मक भी क्या होंगे, समान। युग्मक अपने आप में शुद्ध होते हैं क्योंकि वे किसी जीन की एक ही अलील को रखते हैं। चलिए अब जब इनके बीच के अंदर क्या होगा, क्रॉस होगा, अगर ये परागकण इस मादा अंडकोशिका से जाकर मिलता है, अगर यह है परागकण, तो देखिए आप शुद्ध क्वालिटी को लेकर आ रहे हो, आपको कुछ ऐसे रिजल्ट भी मिल रहे हैं जिसके अंदर जनकों के शुद्ध लक्षण जो है वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लिए कैसा हो जाएगा, फायदेमंद हो गया ना। तो अगर देखा जाए तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सभी सभी लंबे, यानी कि सभी लंबे हैं। इसका मतलब अगर मैं इनका लक्षण प्रारूप देखूं या इनको फिनोटाइप देखूं तो बदल गया जी, यहां पर मेरा फिनोटाइप जो आया है वो 4:0 आया है। 4 तो मेरे पास में क्या है, लंबे पादप है, और 0 मेरे पास में क्या आए हैं, बौने पादप आए हैं, और उसमें से भी 2 मेरे समयुग्मजी अवस्था के अंदर है। अगर मैं इसका जीनोटाइप देखूं तो जीनोटाइप भी यहां पर क्या हो जाएगा, TT और TT, ठीक है। तो आप देखेंगे 2:2 यानी कि 1:1, ठीक है। तो देखिए एकल संकर क्रॉस का यहां पर क्या हो गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप ही बदल गया, जब हमने जनक का क्रॉस, सॉरी संतति का क्रॉस वापस से किससे करवाया, उसके जनकों से करवाया। चलिए तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, हम एक बार आपको इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी करवा देते हैं, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो हम टेस्ट क्रॉस भी करवा के देखेंगे और हम आउट क्रॉस भी करवा के देखेंगे। चलिए अब हम द्विसंकर क्रॉस का पहले क्या करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस का परीक्षण क्रॉस, पहले हम नॉर्मल क्रॉस करवाएंगे और फिर हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। पहले हम सामान्य सामान्य क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली टेस्ट क्रॉस भी करवा सकते हैं, सामान्य क्रॉस करवाने की हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सीख, क्योंकि हम सामान्य क्रॉस पहले पढ़ चुके हैं, तो आप टाइम को नहीं ख़राब करते हुए आप पिछले वीडियोज़ में जाकर हमारा डाईहाइब्रिड का नॉर्मल क्रॉस देख सकते हैं। चलिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है, पर सामान्य क्रॉस में हम एक बार ले तो लेके होने वाला क्या था,
तो अगर ये क्रॉस सामान्य होता था, अगर ये क्रॉस कैसा होता था, सामान्य क्रॉस था, तो आपने क्या किया था, गोल व पीले बीज का क्रॉस झुर्रीदार व हरे बीज के साथ में करवाया था। तो इससे बनने वाली जो F1 संतति आपको मिलती थी वो मिलती थी, बोलिए समझ में आ रहा है, ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं आप, करवाएंगे आप इससे, ये क्या थी आपकी F1 पीढ़ी। अब इस संकर जाति का क्रॉस टेस्ट क्रॉस में हम क्या लेते हैं, अप्रभावी जनक लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करवा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हमने क्या किया, हम सबसे पहले अपनी F1 पीढ़ी को लेकर आए जिसका क्रॉस हम इसकी अप्रभावी से करवा रहे हैं, सॉरी मैंने सीधा ही युग्मक को लिख दिया, आई एम सॉरी। अब पहले ये क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। चलिए इसके युग्मक बताते हैं हम कैसे इसके युग्मक बनेंगे। एक ही कैसा युग्मक बना सकता है भाई, एक लक्षण की कोई एक ही एलील आएगी, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y, स्मॉल R कैपिटल Y और स्मॉल R स्मॉल Y, है नहीं। इसका क्रॉस आप किससे करवाएंगे, स्मॉल R स्मॉल Y, ऐसे बहुत तरह की अंडकोशिकाएं भी होगी, या फिर अगर आप इन्हें अंडकोशिका मान रहे हैं तो ऐसे बहुत तरह के क्या होंगे, परागकण होंगे। चलिए अब हम क्रॉस करवा के देखते हैं। जब ये वाला युग्मक, ठीक है, जब ये वाला युग्मक या परागकण अगर इस अंडकोशिका से जाकर मिलता है तो जो बनेगा वो होगा कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y। अगर यह जाकर इससे मिलता है तो कैपिटल R स्मॉल Y स्मॉल Y। अगर यह जाकर इससे संकृत होता है स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, और अगर ये इससे संकृत होता है तो स्मॉल R स्मॉल Y। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके लक्षण के या देखने में ये कैसे कैसे होंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर लक्षण प्रारूप देखना है, मान लीजिए। तो देखिए ये देखने में कैपिटल R आ रहा है तो ये देखने में कैसा होगा, गोल और साथ में होगा पीला। ये कैसा होगा, गोल लेकिन हरा। ये कैसा होगा, यहाँ पर झुर्रीदार और साथ में पीला। और ये कैसा होगा, यहाँ पर झुर्रीदार और हरा। यानी कि हर तरह का आपको एक मिल गया। वहाँ पर आपको 9:3:3:1 मिलता था, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, जीनोटाइप, यानी कि यहाँ पे आपको फीनोटाइप जो मिलेगा वो क्या मिला है आपको, 1:1, गोल पीला। हाँ बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, समझ में आ रहा है। जीनोटाइप भी यहाँ पर क्या है, 1:1 ही, क्योंकि सबके जीनोटाइप भी क्या है, अलग अलग है, आप देख सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर जीनोटाइप यानी कि यहाँ पर जो आपका जीनोटाइप है वो भी क्या है, 1:1, क्योंकि एक बार का एक तरह का एक ही है। तो ये हो गया आपका सामान्य द्विसंकर क्रॉस के अंदर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, जिसकी आपने जीनोटाइप भी देख लिया और फिनोटाइप। अब हम द्विसंकर क्रॉस के अंदर ही क्या करके देखते हैं, आउट क्रॉस करके देखते हैं। चलिए डाइहाइब्रिड आउट क्रॉस, अब इस पीढ़ी का क्रॉस हम किससे करवा रहे हैं, जो कि कैसा है, गोल और
पीला, क्योंकि ये प्रभावी गुण है। इसका हम किससे करवा रहे हैं? प्रभावी जनक से। क्यों प्रभावी जनक से करवा रहे हैं? क्योंकि हम आउट क्रॉस कर रहे हैं, तो संकर जीव का उसके प्रभावी जनक से क्या करवाया जाता है? क्रॉस, यानी कि ये भी कैसा है? गोल और पीला। चलिए, अब ये जो गैमेट बनाएगा यहाँ पर, ये कौन कौन से गैमेट यानी कि युग्मक बना सकता है? ठीक है, या तो ये बनाए कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला, या फिर ये बनाए कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला, या फिर ये बनाए स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला, या फिर ये बनाए स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला। ये जो बनाएगा ये एक ही तरीका बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलिए, अब इनके बीच में हमने क्या करवाया? क्रॉस करवा के देखा तो हमें क्या मिला? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई शुद्ध पीढ़ी मिल गई हमको, बिल्कुल शुद्ध लक्षण लेकर आने वाली। ठीक है, यही तो हम चाहते थे इस क्रॉस को करवाने का। हमारा रीजन क्या था? यही तो था कि हमारे जो शुद्ध लक्षण है वो हमें वापस मिल जाए। चलिए, अब ये इसके साथ में क्रॉस कर लेता है तो और अगर ये इसके साथ में, अब हम देखें तो यहां पर देखने में ये भी कैसा है? गोल व पीला। ये भी है गोल और पीला, इसमें भी एक आर गोल का आर है। प्रभावी जीन अपने आप को दिखाएगी, गोल पीला गोल पीला। तो सीधी सी बात है, जब हम इसका क्या देखेंगे? फिनोटाइप देखेंगे। हम इसका क्या देखेंगे? फिनोटाइप। तो ये आएगा 4:0, क्योंकि सभी क्या है? लंबे गोल व पीले। और इसका अगर जब आप जीनोटाइप देखेंगे तो एक प्रकार के एक ही है, तो आएगा 1:1:1:1। ठीक है, तो इस तरीके से पता चला। हमने आपको द्विसंकृत क्रॉस के लिए भी करवा के दिखा दिया, ठीक है, और हमने आपको एक संकृत क्रॉस के लिए भी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करवा के दिखा दिए हैं, जो कि आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। और हमने ये भी रीज़न बता दिया कि क्यों हम व्युत्क्रम क्रॉस पे करवाते हैं या क्यों हम संकर पूर्वज क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस के टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस को करवाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक का। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे मेंडल के नियम के विचलन, जिन्हें आप नव मेंडलियन भी कह सकते हैं या फिर आप इन्हें मेंडल के अपवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेंडल ने जितने भी क्रॉस करवाए थे उनके बेसिस पे क्या है? अपवाद है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले जा रहे हैं नव मेंडल वाद में। अच्छा, नव मेंडल वाद तो हमारा चल ही रहा है, सॉरी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मेंडल के नियमों के विचलन, जिन्हें आप अपवाद भी बोल सकते हो। ठीक है, विचलन को आप क्या बोल सकते हो? अपवाद भी बोल सकते हो। देखिए, ऐसे आप चार अपवाद पढ़ेंगे। हम सबसे पहला लेते हैं जिसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जिसे आप और क्या बोल सकते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ भाई, पहले हम आते हैं इसके लिए प्रभाविकता पे नियम पर। प्रभाविकता का नियम क्या था? जब आप शुद्ध जनकों के मध्य क्या करवाते हैं? जनन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं, तो उनके बनने वाली F1 पीढ़ी में वही गुण सामने आएगा जो कि क्या होगा? प्रभावी होगा, है या नहीं है? ये आपका प्रभाविकता का नियम था, यानी कि F1 पीढ़ी जिस लक्षण को शो कर रही है वो लक्षण क्या हो जाता था? प्रभावी हो जाता था। अपूर्ण प्रभाविकता में क्या है कि जो प्रभावी जीन होती है, ठीक है, या प्रभावी जो लक्षण होता है वह अपने आप को पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाता, यानी कि वह प्रभाविता के नियम को क्या नहीं करता है? फॉलो नहीं करता है। वो क्या करता है? प्रभाविता और प्रभावित जीन के मिश्रित लक्षण को क्या करता है? यहाँ पर दिखाता है। अर्थात यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ
इस नियम के अनुसार शुद्ध लक्षणों में शुद्ध लक्षण शुद्ध लक्षण वाले जनकों में क्रॉस होने पर F1 पीढ़ी प्रभावी लक्षण नहीं दर्शाती अपितु वह प्रभावी व अप्रभावी लक्षण का मिश्रित रूप प्रदर्शित करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। हम इस क्रॉस को करके देख लेते हैं। देखिए, ऐसा सबसे पहले किसके अंदर देखा गया या कहां पर हुआ? ऐसा सबसे पहले हुआ था, एक प्लांट था मिराबिलस जलापा। एग्जाम्पल है इसका कार्ल कोरिन्स द्वारा मिराबिलिस जलापा पादप में। और दूसरा एक और इसका एग्जाम्पल आता है, वो आता है श्वान पुष्प। श्वान पुष्प जिसे क्या बोला जाता है, स्नेप ड्रैगन। या फिर स्नेप ड्रैगन के साथ के अंदर इसे और क्या बोला जाता है, एंट्री हाइनम। एंट्री हाइनम, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, मेनली इन्होंने देखा कि श्वान पुष्प के अंदर एक लाल पुष्प होता है जिसे हम कैपिटल आर से शुरू करेंगे यहाँ पर, और एक कौन सा होता है, सफ़ेद पुष्प होता है। ऐसे दो तरह के पुष्प होते हैं इसके अंदर, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प। अब तो हमें पता है, तो लाल जो रंग है वो क्या माना गया कि भाई दोनों में से कोई एक क्या होगा, प्रभावी होगा। या तो लाल प्रभावी होगा या सफ़ेद प्रभावी होगा, यानी कि हमें F1 पीढ़ी में या तो लाल रंग का पुष्प मिलेगा या फिर सफ़ेद रंग का, क्योंकि मेंडल यही कहकर गए हैं कि जो प्रभावी लक्षण होता है वो F1 पीढ़ी में दिखाता है। तो उन्होंने इन दोनों में से कोई एक रंग को क्या किया था, एक्सपेक्ट कर रखा था कि भाई कोई एक रंग निकल कर आएगा F1 पीढ़ी के अंदर, और जो निकल कर आएगा रंग उसे हम क्या कह देंगे, प्रभावी कह देंगे। लेकिन इनका क्रॉस करवाने पर यहाँ पर जो ये F1 पीढ़ी बनी, ठीक है, ये F1 जो पीढ़ी बनी वो कहीं से भी लाल रंग शो नहीं कर रही थी। वो कौन से रंग की आई, गुलाबी रंग की। कौन सी रंग की आई, गुलाबी रंग की। तो गुलाबी रंग का आते ही पता चला भाई, तो दोनों रंगों का मिश्रण हो गया, क्योंकि अगर आप लाल रंग को और सफेद रंग को मिलाएंगे तो क्या होता है, गुलाबी रंग आता है। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रित निकल कर आ गया, और इसी के साथ में यहाँ पर मेंडल का प्रभाविकता का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा देखते हैं, एक और दूसरा क्या है जो मेंडल का अपवाद है, दूसरा जो है उसे बोला जाता है कोडोमिनेंस, जिसे आप बोल सकते हैं सह प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या कहती है, प्रभाविता का नियम फिर से मैं बता रही हूं क्या कहता है, कि F1 पीढ़ी में संतति जिस लक्षण को शो करेगी, यानी कि संकृत जो जीव है वो जिस लक्षण को शो करेगा वो प्रभावी होगा। ठीक है, सह प्रभाविता में क्या था कि यहां पर जो संकृत जीव था
वो प्रभाविता व अप्रभाविता को मान ही नहीं रहा था। इसमें तो क्या होता, प्रभाविता व अप्रभावित दोनों ही गुण अपने आप को क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे, तो इसे क्या बोला गया, सहप्रभाविता बोला गया। यानी कि एक ऐसा क्रॉस, जिसमें संकरित जनक प्रभाविता व अप्रभाविता के संबंध के विपरीत दोनों ही गुण या दोनों ही लक्षण दर्शाते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मवेशी जंतुओं में त्वचा का रंग या फिर बालों का रंग, ठीक है, त्वचा बोल दीजिए, या उनके जो बाल होते हैं ना, और एक होता है आपके पास में जिसे मैं आगे समझाऊंगी, यहां नहीं समझाऊंगी इसे मैं, आपके अंदर मिलने वाला ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, आपका एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमने एक पादप, हमने एक ऑक्स लिया, यानी कि हमने एक सांड लिया, और इसका क्रॉस हमने एक गाय से करवाया। सांड जो था वो कैसा था, लाल भूरा, ठीक है, और जबकि जो गाय थी वो कैसी थी, मान लीजिए सफ़ेद थी। जब हमने इन दोनों को क्रॉस करवाया तो कोई या तो लाल भूरा होना चाहिए था या सफ़ेद, यानी कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है, दोनों ही रंग आ गए, यानी कि जो जीव हुआ F1 पीढ़ी जो हुई वो कैसे हुए, चितकबरे। चितकबरे का मतलब था कि उनके शरीर के अंदर लाल भूरा रंग भी नजर आ रहे, चकते नजर आ रहे थे, और उनके शरीर पर सफेद रंग के चकते भी क्या हो रहे थे, नजर आ रहे थे। तो चितकबरे क्या हुए, उनकी F1 पीढ़ी के जनक बने, सॉरी संततियां बनी। यानी कि जो आपकी सहप्रभाविकता है इसके अंदर भी प्रभाविकता का नियम लागू नहीं हुआ, वह प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही लक्षणों ने अपने आप को समान रूप से क्या किया, व्यक्त किया। तो आज के लेक्चर में यहीं तक होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार क्विक रिविजन लेके, आज हमने किया क्या, आज हमने आपको नव मेंडलवाद को समझाया, और जिसमें मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी में पुनर्खोज के बाद में आनुवांशिकता पर जितने भी प्रयोग थे वो तीव्र गति से हुए, और इन प्रयोगों के अंदर कुछ अलग प्रकार के क्रॉस भी करवाए गए, और इन प्रयोगों के दौरान कुछ इस प्रकार के रिजल्ट भी निकल कर सामने आए जो मेंडल के नियमों को क्या नहीं करते थे, पूरी तरीके से उनका फॉलो नहीं करते थे, उनसे अलग थे, जिन्हें मेंडल का अपवाद कहा गया। आपके जो नए क्रॉस करवाए गए उनमें हमने एक व्युत्क्रम क्रॉस किया, जिसके जो हम क्यों करवाते हैं, अनुवांशिकता पर लिंग का प्रभाव देखने के लिए करवाया जाता है, यानी कि इसमें जनकों की लिंग में क्या की जाती है, अदला बदली की जाती है, और फिर उनसे बनने वाले जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप देखे जाते हैं जो कि समान ही मिले, अर्थात लिंग का अनुवांशिकता पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा हमने करवाया संकर पूर्व संकरण, यानी कि बैक क्रॉस, जिसमें जो संतति होती है या F1 संतति जो पीढ़ी जो मिल रही है या जो भी आपको पीढ़ी मिल रही है उसका जो क्रॉस है वापस से आप उसके जनक के साथ में करवा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप जनकों का जो उत्तम गुण है उन्हें उनका आप आने वाली पीढ़ी में क्या करा सके, अनुसरण करवा सके, उन्हें अनुग्रत करवा सके, ताकि आपको हमेशा उत्तम क्वालिटी के लक्षण मिले, ठीक है। अब आपके पास में ये जो आपका बैक क्रॉस था या जो संकर पूर्व क्रॉस था, ये दो प्रकार का था, एक था आपका परीक्षण क्रॉस जिसे आपने टेस्ट क्रॉस बोला, और एक था आपके पास में आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस जिसके अंदर आप संकृत जीवों का क्रॉस जो है वो उनके अप्रभावी जनक से करवा रहे थे, जिसके क्या रिजल्ट आए वो हमने एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस करवा के दिखा दिया, और बैक क्रॉस वो जिसमें आप बनने वाले संकृत जीवों का क्रॉस उनके प्रभावी जनक के साथ में करवा रहे थे, और उनको भी हमने एक संकर और द्विसंकर दोनों क्रॉसेस के आधार पर दर्शा दिया, और उनका जीनोटाइप फिनोटाइप भी पढ़ा।
फिर हमने मेंडल के नियमों में अपवाद देखे, जिसमें हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविकता और को डोमिनेंस यानी कि सह प्रभाविता को देख लिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम आगे अन्य मेंडल के नियमों में हम क्या पढ़ेंगे, जो विचलन हुए या उनके जो अपवाद आए हम उनको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।